प्रोफेसर डॉक्टर सरोज व्यास पुनः आपके साथ में उपस्थित हूँ फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन की जो हमारा पुनरावृत्ति की सीरीज़ है पुनरावृत्ति है उसको लेकर के कि किस प्रकार से शिक्षा में शिक्षा क्या है और शिक्षा आ, को किस प्रकार से बहुत ही गहराई से समझा जा सकता है और इससे पूर्व के का जो हमारा व्याख्यान था उसमें हमने चर्चा विस्तृत चर्चा करी थी कि शिक्षा का अर्थ क्या है शिक्षा की परिभाषाएं कौन कौन सी क्या हैं उसके बाद शिक्षा की प्रकृति क्या है शिक्षा के अंग कौन कौन से हैं शिक्षा का आधार क्या है और शिक्षा की आधार के बाद में हमने बात करी थी कि शिक्षा के स्रोत कौन कौन से हैं शिक्षा के स्रोतों की जब हमने बात करी थी तो हमने कहा था सबसे पहले परिवार उसके बाद में विद्यालय विद्यालय के बाद समाज और समाज के बाद में राज्य के द्वारा हम ये सारी चीजें शिक्षा ग्रहण करते हैं अब हम बात करेंगे आज इस चर्चा में कि शिक्षा के क्षेत्र कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्रों की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने एक शिक्षा में एक जो विषय आता है क्षेत्र आता है वो आता है शिक्षा दर्शन शिक्षा दर्शन के बाद शैक्षिक समाजशास्त्र शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का इतिहास शैक्षिक समस्याएं, शैक्षिक प्रशासन शिक्षण कला एवं तकनीकी तुलनात्मक आ, शिक्षा, ये शिक्षा के कुछ क्षेत्र हैं। शिक्षा का दर्शन यानी जिस प्रकार से दर्शन है क्या दर्शन का मतलब है कि, कि किसी भी व्यक्ति के अपने जीवन के प्रति एक विचारधारा एक सोच एक उद्देश्य एक ऑब्जेक्टिव होता है वो है शिक्षा दर्शन यानी शिक्षा को किस प्रकार से शिक्षा है क्या शिक्षा को कैसे हम ले लें जैसे हमने कहा कि शिक्षा एक सर्वांगीण विकास है तो शिक्षा दर्शन में जो हमारा विषय है शिक्षा का इसमें हम विभिन्न जो दार्शनिक हैं उन्होंने शिक्षा के संबंध में क्या कहा है और वर्तमान परिस्थितियों में उसकी क्या सारगर्भिता है इस पर चर्चा करेंगे शैक्षिक समाज शास्त्र शिक्षा के साथ में समाज शास्त्र जुड़ा हुआ है कि शिक्षा का और समाज का दोनों का क्या संबंध है और किस तरह से दोनों एक दूसरे के पूरक है और एक दूसरे के साथ चलते हैं शिक्षा मनोविज्ञान क्योंकि शिक्षा जब हम ग्रहण करते हैं तो हमारी स्मृति है उसमें बुद्धि लब्धि है हमारी रुचि है ये सारी चीजें हैं और मनुष्य का जो है वो मस्तिष्क है उसको समझना तो शिक्षा जो है वो मनोविज्ञान के साथ मन के विज्ञान के साथ शिक्षा को जोड़ा गया है शिक्षा का इतिहास शिक्षा का इतिहास क्या रहा है शिक्षा में वैदिक काल में शिक्षा कैसी थी उसके बाद में मुगल काल में शिक्षा का क्या इतिहास रहा ब्रिटिश काल में शिक्षा का क्या इतिहास रहा और ब्रिटिश काल के बाद में हम आधुनिक काल की बात करें और अभी वर्तमान कोरोना काल में शिक्षा का शिक्षा कैसे चल रही है ये भी एक सोचने और समझने का तो इससे पूर्व का जो भी है वो शिक्षा के इतिहास शिक्षा और इतिहास के बाद में शैक्षिक समस्याएं शिक्षा में क्या क्या संबंध है वैदिक काल की अपनी समस्याएं थी उसके बाद में मुगल काल की अपनी शिक्षा के साथ समस्याएं थी ब्रिटिश काल की अपनी समस्याएं थी आधुनिक काल में अपनी समस्याएं हैं और आज कोरोना काल में जो 2020 और 21 में जो तो वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे हम एजुकेशन दे रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं इसमें शिक्षा की अपनी समस्याएं हैं शैक्षिक प्रशासन किस प्रकार से शैक्षिक प्रशासन होता है विद्यालय महाविद्यालय विश्वविद्यालय में प्रशासन कैसे होता है शिक्षण प्रशिक्षण कैसे होता है पाठ्यक्रम है विधिया है नियुक्तियाँ है और तमाम तरह की चीजें हैं वो शैक्षिक प्रशासन में शिक्षण कला एवं तकनीकी इसमें कौन कौन से जो किस तरह से शिक्षकों हम पढ़ाएं जब जब हम विधियों की बात कर रहे हैं प्रति प्रविधियों की बात कर रहे हैं और तकनीकी का कौन सी टेक्निक को हम यूज कर सकते हैं और तुलनात्मक शिक्षा तुलनात्मक शिक्षा से हमारा अभिप्राय है कि वैदिक काल की शिक्षा और वर्तमान की शिक्षा मुगल काल और वैदिक काल मुगल काल और ब्रिटिश काल आ, मुगल काल और आधुनिक काल या फिर आधुनिक काल और कोरोना काल इस तरह से तुलनात्मक शिक्षा है तो ये शिक्षा के कुछ क्षेत्र हैं जिसमें मैंने अभी आपको पुनः एक बार दोहरा देती हूँ शिक्षा दर्शन शैक्षिक समाजशास्त्र शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का इतिहास शैक्षिक समस्याएं शैक्षिक प्रशासन और शिक्षण कला एवं तकनीकी तथा तुलनात्मक शिक्षा अब इसी प्रकार से जो हमारे मन में अगला प्रश्न उत्पन्न होता है वो है कि शिक्षा के प्रकार कौन कौन से किस, कितने प्रकार की शिक्षा है सबसे पहले हम जब प्रकारों की बात करेंगे तो हमारे सामने आता है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष शिक्षा फिर सामान्य तथा विशिष्ट शिक्षा अगेन वैतिक एवं सामूहिक शिक्षा फिर औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा जब शिक्षा के प्रकारों की बात करी तो हमारे सामने ये कुछ 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 प्रकार हैं जिसके माध्यम से शिक्षार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं यानी शिक्षण अधिगम होता है ये कुछ प्रकार है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सामान्य तथा विशिष्ट वैतिक और सामूहिक औपचारिक तथा अनौपचारिक और निरौपचारिक तो आइए अब हम इन पे थोड़ा सा ये जो जितने भी हमने प्रकारों की बात करी इन पर हम प्रकाश डाल लेते हैं इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे प्रत्यक्ष शिक्षा की डायरेक्ट एजुकेशन प्रत्यक्ष शिक्षा में शिक्षक अपने ज्ञान आचरण विचार दर्शन और व्यवहार से शिक्षार्थी को प्रभावित करता है शिक्षक संपर्क में रहते हुए शिक्षार्थी शिक्षक के व्यक्तित्व से भी प्रभावित होता है प्रत्यक्ष शिक्षा यानी कक्षा कक्ष में जब सामने विद्यार्थी होता है विद्यालय में जब सामने विद्यार्थी होता है तो इसमें शिक्षक अपने ज्ञान आचरण विचार दर्शन व्यवहार से शिक्षार्थी को प्रभावित करता है और शिक्षार्थी भी जब शिक्षक के संपर्क में रहते हैं तो उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं इस प्रकार की शिक्षा में दोनों क्रियाशील रहते हैं अध्यापक भी और छात्र छात्रा भी और दोनों के मध्य शिक्षण अधिगम की प्रभावी प्रक्रिया प्रत्यक्ष रूप से संपन्न होती है इसमें आदर्श शिक्षक और अनुशासित शिक्षार्थी की परिकल्पना की जाती है तो हमने बात करी प्रत्यक्ष शिक्षा की अब हम बात कर रहे हैं अप्रत्यक्ष शिक्षा इनडायरेक्ट एजुकेशन अप्रत्यक्ष साधनों के माध्यम से शिक्षार्थी को प्रभावित किया जाता है शिक्षा किन निश्चित उद्देश्यों के अंतर्गत नहीं दी जाती तथापि पर उसका प्रभाव पड़ता है। ऐसी शिक्षा में शिक्षक और समाज के अन्य सदस्य शिक्षार्थी को प्रभावित करने के लिए किसी विशेष योजना के द्वारा ज्ञान का प्रचार प्रसार नहीं करते फिर भी शिक्षार्थी उनके आचरण और अनुभव से स्वतः ही परोक्ष रूप से सीखता है अप्रत्यक्ष शिक्षा यानी अप्रत्यक्ष में शिक्षार्थी को प्रभावित करने के लिए किसी कोई जो साधन है वो नहीं है या कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है लेकिन फिर भी उस पर प्रभाव पड़ता है और वो एक प्रभाव जो है वो उसके शिक्षार्थी उस आचरण और अनुभव से सीखता है परोक्ष रूप से सीखता है फिर आती है विशिष्ट शिक्षा स्पेसिफिक एजुकेशन विशिष्ट शिक्षा को व्यवसायिक शिक्षा यानी वोकेशनल एजुकेशन भी कहा जाता है इस प्रकार की शिक्षा में शिक्षार्थी को किसी कार्य विशेष और व्यवसाय तथा उद्योग के लिए शिक्षित प्रशिक्षित किया जाता है विशिष्ट शिक्षा स्पेसिफिक एजुकेशन विशिष्ट शिक्षा में क्या होता है इसको हम व्यवसायिक एजुकेशन भी कहते हैं वोकेशनल एजुकेशन इसमें शिक्षार्थी को किसी कार्य विशेष और व्यवसाय था उद्योग के लिए प्रशिक्षित शिक्षित प्रशिक्षित किया जाता है जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगी हस्तशिल्प एवं हस्तकला से जुड़े व्यवसाय शिक्षण व्यवसाय के लिए बी एड डीएलएड वकालत के लिए एल पत्रकारिता और मीडिया के लिए बी ए जे इंजीनियरिंग के लिए बीटेक एम टेक और मैनेजर के लिए बीबीए बी एमबीए आदि जो शिक्षा है वो सारी हमारी विशिष्ट शिक्षा यानी स्पेसिफिक एजुकेशन और वो, वोकेशनल एजुकेशन के अंतर्गत आती है फिर हमने बात करी थी सामान्य शिक्षा की जनरल एजुकेशन सामान्य शिक्षा को उदार शिक्षा भी कहा जाता है किसी व्यवसाय अथवा उद्योग के लिए शिक्षित करने की अपेक्षा सामान्य रूप से जीवन के प्रत्येक पहलू से परिचित करवाने का प्रयास किया जाता है सामान्य शिक्षा में यानी जनरल एजुकेशन इसमें लिबरल एजुकेशन के नाम से भी जानी जाती है और इसमें किसी व्यवसाय और उद्योग के लिए शिक्षित करने की अपेक्षा जीवन के जो प्रत्येक पहलू है यानी हर क्षेत्र के लिए या मैं ये कहूं कि सर्वांगीण विकास का प्रयास किया जाता है तो अतिशोक्ति नहीं होगी इसमें शिक्षार्थी की बुद्धि तीव्र दृष्टिकोण व्यापक और व्यवहार कुशलता का विकास होता है व्यक्ति परिवार समाज और राष्ट्र कल्याण के लिए सामान्य शिक्षा शिक्षार्थी के सामाजिक गुणों का विकास कर उसे सुसंस्कृत बनाती है अब इसी में आगे बढ़ते हैं हमने बात करी प्रत्यक्ष एजुकेशन की अप्रत्यक्ष एजुकेशन यानी अप्रत्यक्ष शिक्षा अप्रत्यक्ष शिक्षा विशिष्ट शिक्षा और उसके बाद में हमने बात करी विशिष्ट शिक्षा के बाद में हमने कहा सामान्य शिक्षा अब हम बात कर सामान्य शिक्षा की हमने आ, बात करी है और इस प्रकार से इन आ, शिक्षाओं की बात करने के बाद में हम आगे बढ़ते हैं और आगे जब हम बढ़ेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि अगला जो हमारा पड़ाव है वो क्या है हमारी आती है सामूहिक शिक्षा व्यक्तिक शिक्षा इंडिविजुअल शिक्षा इंडिविजुअल एजुकेशन वैतिक शिक्षा वैतिक शिक्षा में क्या होता है कि शिक्षक एक समय में केवल एक ही शिक्षार्थी को पढ़ाता है बालक की योग्यता क्षमता रुचि एवं मानसिकता को मध्य नजर रखकर उसी प्रकार की शिक्षण विधियों का चयन किया जाता है ये वैतिक इंडिविजुअल एजुकेशन होती है और ये उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन पे दी जाती है इस प्रकार की शिक्षा में शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच निकट का संबंध होता है क्योंकि इसमें वैतिक भिन्नताओं के आधार पर शिक्षा दी जाती है विद्यार्थी को अभिव्यक्ति का पूर्ण अवसर मिलता है और वह स्वतंत्रता का अनुभव करता है फिर आती है सामूहिक शिक्षा कलेक्टिव एजुकेशन विद्यालय महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों के कक्षा कक्षों में दी जाने वाली शिक्षा सामूहिक शिक्षा है इसमें विद्यार्थियों को शिक्षक द्वारा समूह में शिक्षित किया जाता है यहाँ विद्यार्थियों के सामाजिक गुणों का स्वाभाविक रूप से विकास होता है इसमें शिक्षार्थियों की रुचियों रुझानों क्षमताओं योग्यताओं शक्तियों और बौद्धिक विभिन्नताओं पर बल नहीं दिया जाता शिक्षक सामान्य बुद्धि लब्धि के अनुसार शिक्षण अधिगम कराता है तो जो सामान्य, सामूहिक जो हमारी एजुकेशन है कलेक्टिव एजुकेशन है इस कलेक्टिव एजुकेशन में ये सब ये किसी एक व्यक्ति की के गुण पर आधारित नहीं होती है अपितु तो सभी विद्यार्थियों को जिसमें आपके आ, जो है औसत बुद्धि से कम वाले विद्यार्थी भी हो सकते हैं औसत बुद्धि वाले भी हो सकते हैं औसत बुद्धि से अधिक बुद्धि लब्धि वाले भी हो सकते हैं और ये अलग अलग बुद्धि लब्धि के और इनको सामान्य रूप से शिक्षा दी जाती है इसे हम सामूहिक शिक्षा कलेक्टिव एजुकेशन कहते हैं उसके बाद में आता है औपचारिक शिक्षा फॉर्मल एजुकेशन औपचारिक शिक्षा योजनाबद्ध होती है शिक्षा के निश्चित उद्देश्य निश्चित पाठ्यक्रम निश्चित पाठ्य पुस्तकें निश्चित शिक्षण विधियां होती है शिक्षा निश्चित समय पर निश्चित शिक्षण संस्थानों में निश्चित समय सारणी के अनुसार निर्धारित विषय शिक्षिकाओं द्वारा दी जाती है औपचारिक शिक्षा फॉर्मल एजुकेशन औपचारिक शिक्षा में पूरी एक योजना बनाई जाती है पूरी प्लानिंग होती है शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारित किया जाता है पाठ्यक्रमों को निर्धारित किया जाता है पाठ्य पुस्तकें निर्धारित होती है शिक्षण विधियां निर्धारित होती है समय निर्धारित होता है संस्था निर्धारित होती है और साथ ही साथ में उसका उसे कौन पढ़ाएगा यह भी निर्धारित होता है और इसमें औपचारिक शिक्षा में शिक्षार्थी व्यवस्थित व्यवसायिक सामान्य ज्ञान को प्राप्त करता है औपचारिक शिक्षा को प्रतिम शिक्षा का एक स्वरूप भी समझा जाता है उसके बाद में बात आती है अनौपचारिक शिक्षा इनफॉर्मल एजुकेशन अनौपचारिक शिक्षा को अनियमित आकस्मिक और अविधिक शिक्षा भी कहा जाता है परिवार समुदाय धर्म राज्य रेडियो टेलीविजन समाचार पत्र आदि अनौपचारिक शिक्षा के प्रमुख देन है यानी अनौपचारिक शिक्षा आप परिवार से भी ले सकते हैं समुदाय से भी ले सकते हैं धार्मिक संगठनों से भी ले सकते हैं राज्य से भी आप शिक्षित हो रहे हैं रेडियो से भी आप शिक्षित हो रहे हैं टेलीविजन से भी आप शिक्षित हो रहे हैं समाचार पत्रों से भी आप शिक्षित हो रहे हैं तो जब आप विभिन्न माध्यमों से शिक्षित हो रहे हैं तो वो आपकी अनौपचारिक शिक्षा है इनफॉर्मल एजुकेशन है अनौपचारिक शिक्षा में कोई पूर्व नियोजित योजना और उद्देश्य नहीं होते हैं। बालक व्यक्ति स्थान और अनुभव से स्वतः निरंतर सीखता है ये जन्म से मृत्यु पर्यंत चलने वाली अनायास आकस्मिक और स्वाभाविक प्रक्रिया है अनौपचारिक शिक्षा में कोई भी पहले से योजना नहीं होती और कोई भी सीख सकता है कभी भी सीख सकता है और अब हम बात करेंगे निरौपचारिक शिक्षा की नॉन फॉर्मल एजुकेशन निरौपचारिक शिक्षा औपचारिक और अनौपचारिक के मध्य का भाग है इसमें पूर्ण नियंत्रण और पूर्ण अनियंत्रण दोनों ही स्थितियां नहीं है निरौपचारिक ऐसी शिक्षा में योजनाओं का निर्माण होता है लेकिन समय स्थान पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकों एवं शिक्षकों के निर्धारण का कठोरता से पालन नहीं किया जाता जे मोहंती के शब्दों में निरोपचारिक शिक्षा एक सुविधाजनक स्थान समय विद्यार्थियों के मानसिक और मनोवैज्ञानिक वृद्धि को ध्यान में रखकर प्रदान की जाती है तो उसे हम निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं तो निरौपचारिक का मतलब हो गया औपचारिक और अनौपचारिक दोनों के जो पूर्व की जो हमारी शिक्षा है दोनों के पहले की शिक्षा है वो निरौपचारिक शिक्षा होती है तो इस प्रकार से जो आज का हमारा ये व्याख्यान श्रृंखला थी इस व्याख्यान श्रृंखला को को हमें व्याख्यान श्रृंखला में आपके साथ जो विचार विमर्श आपके साथ जो चर्चा करने का जो उद्देश्य था एक ऑब्जेक्टिव लेके मैं उपस्थित हुई थी वो है फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन और फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन में इससे पूर्व के जो व्याख्यान है उसमें हमने विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों दर्शन शास्त्रियों विभिन्न स्कूलों के बारे में चर्चा करी और उनमें हमारे जो मुख्य रूप से था वो था हमारा नेचुरलिज्म यानी प्रकृतिवाद प्रेग्मेटिज्म प्रयोजनवाद आइडियलिज्म आदर्शवाद रियलिज्म वास्तविकतावाद एग्जिस्टिज्म हमारा ये सारे हमारे वाद थे इन वादों के अलावा हमने जो भारतीय और पाश्चात्य हमारे शिक्षा दर्शन शास्त्री रहे हैं उनके अनुसार शिक्षा क्या है उसको भी उसका भी विस्तृत अध्ययन किया जिसमें महात्मा गांधी रविन्द्र टैगोर जय कृष्ण मूर्ति उसके अलावा आपके अंबेडकर और प्लेटो रूसो फ्रोविल इनके अरस इनके बारे में हमने अरस्तु इन पर हमने विस्तृत चर्चा करी और हमने देखा कि फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन यानी जो हमारी शिक्षा की दार्शनिक आधारशिला है वो क्या है और उसको करने के बाद आज हमने उस हमारा जो आ, सारा भी फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन की जो हमने अध्ययन अध्यापन किया इसकी हमने पुनरावृत्ति करी और पुनरावृत्ति में हमने जाना कि शिक्षा का अर्थ क्या है शिक्षा किसे कहते हैं और शिक्षा के विभिन्न अर्थ में भी केवल ये नहीं है कि हमने एक शब्द में कह दिया कि शिक्षा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास है नहीं अर्थ में भी आप व्युत्पत्ति यानी शिक्षा शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है यह जाना शिक्षा की परिभाषाओं में जो हमारे पाश्चात्य दार्शनिक है उन्होंने शिक्षा की क्या परिभाषा दी और भारतीय जो पृष्ठभूमि के लोग हैं उन्होंने शिक्षा की क्या परिभाषा दी जिसमें हमने प्लेटो है अरस्तु है सुकारात है फ्रोवेल है इनकी बात करी कोठारी आयोग के अनुसार महात्मा गांधी के अनुसार इन लोगों ने शिक्षा की परिभाषा क्या दी वो बात करी शिक्षा की प्रकृति के बारे में बात करी कि शिक्षा की हमारी प्रकृति क्या है मुख्य रूप से कहा जाए तो शिक्षा की प्रवृति अनवरत चलने वाला चलने वाली है प्रगतिशील प्रक्रिया है फिर हमने शिक्षा के अंगों की बात करी जिसमें हमारा अध्यापक शिक्षार्थी पाठ्यक्रम शिक्षण विधियां सहायक सामग्री और मापन मूल्यांकन और परीक्षण बहुत मूल रूप से था मूलभूत आधारों की चर्चा करी और मूलभूत आधारों में दार्शनिक आधार मनोवैज्ञानिक आधार सामाजिक आधार इन पर हमने बात करी शिक्षा के स्रोत में हमने जाना कि सबसे पहले जो व्यक्ति है बालक है वो परिवार से सीखता है परिवार के बाद में आप जो आप विद्यालय में जाते हैं तो वहां शिक्षा ग्रहण करते हैं और विद्यालय के बाद में आप जो सीखते हैं वो आपके सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया होती है वो समाज से भी आप बहुत कुछ सीखते हैं और समाज के बाद में जो चर्चा हमने करी है वो करी है राज्य से राष्ट्र से हम सीखते हैं फिर शिक्षा के क्षेत्र कौन कौन से हैं अब शिक्षा के क्षेत्रों में हमने बात करी कि कौन कौन से शिक्षा के क्षेत्र हैं शिक्षा के साथ दर्शन जुड़ा हुआ है शिक्षा के साथ समाज शास्त्र जुड़ा हुआ है शिक्षा के साथ मनोविज्ञान जुड़ा हुआ है शिक्षा के साथ हमारे जो इतिहास जुड़ा हुआ है शिक्षा की समस्याएं जुड़ा हुई है इस प्रकार से शिक्षा के अनेक क्षेत्र हमारे हैं और फिर हमने जो विस्तृत चर्चा का हमारा था वो था कि शिक्षा के प्रकार कौन कौन से हैं और जब शिक्षा के प्रकारों की तो कि शिक्षा कितने कितने प्रकार प्रकार से से दी जाती है या है या विद्यार्थी जो वो कितने प्रकार से शिक्षा ग्रहण करता है और प्रकारों में हमने बात करी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शिक्षा की कि प्रत्यक्ष शिक्षा डायरेक्ट एजुकेशन क्या है और इनडायरेक्ट एजुकेशन है प्रत्यक्ष शिक्षा किसे कहते हैं और अप्रत्यक्ष किसे कहते हैं फिर हमने चर्चा करी सामान्य शिक्षा और विशिष्ट शिक्षा की कि सामान्य शिक्षा किसे कहते हैं और विशिष्ट शिक्षा किसे कहते हैं उसके बाद में हमने बात करी वैतिक और सामूहिक शिक्षा की व्यक्तिगत जो शिक्षा है और सामूहिक शिक्षा है उसका क्या प्रारूप होता है फिर औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा और अंत में हमने बात करी निरौपचारिक शिक्षा इस प्रकार से हमने अपने जो फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का हमारा ये पूरा एक व्याख्यान थे उनको हम हमने उसको एक सारांश रूप में निकाला कि आखिर शिक्षा और दर्शन है क्या अब मैं आपसे इस चर्चा में चर्चा करना चाहूँगी कि वर्तमान में जो हमारी शिक्षा है कोरोना काल में 2020 के प्रारंभ से फरवरी माह से लेकर के आज 2021 अगस्त तक हमारी जो शिक्षा है वो क्या है अभी क्या परिवर्तन आए हैं क्योंकि हम शिक्षा पे बात कर रहे हैं तो आपके मन मस्तिष्क में निश्चित रूप से ये एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा कि जो एक ऑनलाइन एजुकेशन है और दूसरी ऑफलाइन एजुकेशन है ऑनलाइन का मतलब हो गया कि विभिन्न प्लेटफॉर्म पे गूगल है गूगल मीट है या वेवर है या अन्य और बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म है तकनीकी के उनके ऊपर ऑनलाइन एजुकेशन आपको मिल रही है आपको घर बैठे बैठे आपको वो शिक्षा मिल रही है आप आप अपना उपकरण लेके लैपटॉप मोबाइल या कंप्यूटर जो भी लेकर के और उधर से अध्यापक आप अ, सभी विद्यार्थियों को कक्षा में जोड़ करके और वो आपको ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं दूसरी तरफ हमारी है अन ऑफलाइन एजुकेशन जिसमें विद्यार्थी विद्यालय में आ रहे हैं महाविद्यालय में आ रहे हैं विश्वविद्यालय में आ रहे हैं और अध्यापक उनको सामने खड़ा होके आ, एक प्रत्यक्ष रूप से उनको पढ़ा रहा है इन दोनों में आज की परिस्थितियों में और इन दोनों में यदि हम तुलनात्मक हिद्या चर्चा करें अभी हम बात कर रहे थे शिक्षा के क्षेत्रों की और उसमें आ, शिक्षा का तुलनात्मक अध्ययन भी था तो यदि हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो क्या हम क्या किसे हम श्रेष्ठ मानते हैं देखिए मेरे विचार से दोनों की अपनी अपनी एक उपयोगिता है अपना अप, अपने अपने एक लाभ और हानि है अपने अपने मेरिट और डिमेरिट है लेकिन ये कहने में किसी भी प्रकार से किसी भी शिक्षार्थी को अभिभावक को शिक्षण संस्थान को शिक्षकों को प्रबंधन को किसी भी स्थिति में और किसी भी स्तर पर ये कहने में संकोच नहीं है और ये कहने में अतिशोक्ति नहीं है कि जो हमारी शिक्षा आ, है वो ऑनलाइन एजुकेशन ठीक है हमने एक विकल्प ढूंढ लिया क्योंकि कोरोना काल में स्कूल कॉलेज बंद है और प्रत्यक्ष रूप से एक दूरी का है डिस्टेंस के हैं सारे इश्यू है इस वायरस से लड़ने के लिए तो हमने एक प्लेटफॉर्म ढूंढ लिया हम ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन कभी भी शिक्षा कक्षा कक्ष का स्थान नहीं ले सकता मेरी निरंतर विद्यार्थियों से चर्चा होती है और उस चर्चा में ये चीज निकल के आई है कि अब विद्यार्थी भी ये चाहता है कि उसे स्कूल कॉलेज में बुला करके प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन अध्यापन कराए क्योंकि वहां पर प्रत्यक्ष में एक एक जो बॉडी लैंग्वेज है हमारी जो शारीरिक हाव भाव है शारीरिक संरचना है उससे भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है दूसरा यदि कोई भी समस्या है तो प्रत्यक्ष रूप से उसे एक बार नहीं अनेक बार अनेक प्रकार से उसको समझाया जा सकता है तो ये जो हमारी शिक्षा के तुलनात्मक अध्ययन की जब हम बात करेंगे तो हमारा ये है कि हमारी ऑफलाइन मोड पे एजुकेशन और ऑनलाइन मोड पे, और निश्चित रूप से ऑनलाइन एजुकेशन शिक्षा का अध्यन अध्यापन का एक विकल्प तो हो सकता है लेकिन स्थाई अभ्यास में इसे नहीं लाया जा सकता है उच्च कक्षाओं में तो फिर भी जो हायर एजुकेशन है वहाँ तो फिर भी ये चीज हो सकती है लेकिन जो प्राथमिक और माध्यमिक और विद्यालय स्तर की जो शिक्षा है वहाँ पर ये उतनी कारगर साबित नहीं हो रही है केवल हम विद्यार्थियों को ज्ञान दे रहे हैं वो आत्मसात कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे ये पता नहीं चल रहा है और साथ ही साथ जो तकनीकी टेक्निकल ग्लिच है तकनीकी जो व्यवधान है वो तो है ही तो इस प्रकार से आज की इस व्याख्यान श्रृंखला में आ, हमने प्रयास किया है कि आपको शिक्षा और दर्शन को हमने समराइज करके और उसको पूरी तरह से समझाने का प्रयास किया है और इसीलिए हमने ये आज एक आ, जो प्रश्नोत्तर का के माध्यम से पुनरावृत्ति का हमने रखा ये हमने प्रयास किया था मैं आशा करती हूँ कि निश्चित रूप से आपके जो अन्य व्याख्यान श्रृंखलाओं में यदि आप के कोई प्रश्न निरुत्तर रह गए आपकी कोई जिज्ञासा रही होगी या आप आपको को, कोई भी विषय या प्रकरण आप आत्मसात नहीं कर पाए होंगे तो आज के इस विचार विमर्श की जो हम अहम विचार विमर्श कर रहे हैं या आज का यह व्याख्यान है इसमें आप निश्चित रूप से इसको आप ग्रहण कर रहे होंगे और लाभान्वित हुए होंगे इसी इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ धन्यवाद